अच्छा एक बात काम की कर लेते हैं, ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है, अपनी किताब में टिक लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज कौन सी है, 3.4 का है ये। ठीक, ये सवाल आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिए। ये वाला सवाल कैसे करते हैं, और ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल है, सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक, देखिएगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, कह रहे हैं कि एक टू डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर तो आप जानते हो, जैसे कि 23, 42, 97, 55, ये सारे नंबर टू डिजिट नंबर होते हैं, है ना। अच्छा, अब कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, ये जो टू डिजिट नंबर हैं इनकी डिजिट्स का सम, जैसे यहाँ पे सम क्या होगा 2+3, यहाँ सम क्या होगा 4+2, इसी तरह से तुम्हारे पास जो भी टू डिजिट नंबर हैं उनकी डिजिट्स का सम, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। क्लियर तिवर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है लेट कर लेंगे कि लेट टू डिजिट नंबर इज, कौन सा मान लिया, एक्स वाई। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलें तो सवाल हमसे कह रहा था कि जो ये टू डिजिट नंबर है इसकी दोनों डिजिट्स का सम, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, दोनों डिजिट्स का सम, सम ऑफ डिजिट्स इज 9, कितना है 9। ये आपकी कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट। अब आगे पढ़ेंगे, आगे जब हमने पढ़ा तो लिखा था ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो आपने एक्स वाई माना है इसका 9 टाइम्स दिस नंबर, है ना। इज टॉइस द नंबर इज इक्वल टू टॉइस, टॉइस माने टू टाइम्स द नंबर, यहाँ एक नंबर लिखेंगे, वो कौन सा नंबर होगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आपके माने हुए नंबर को रिवर्स करने से आएगा, यानी अगर ये एक्स वाई है तो आपका नंबर होगा क्या वाई एक्स। बात इतनी क्लियर है, बताओ नहीं समझ में आया तो बोल, पूछो, पक्का, ओके। अच्छा, एक खास बात ये है कि हम एक चीज ध्यान देते हैं हमेशा कि जैसे 97 आया तो इसको आप क्या लिखते हो, 90+7, 55 को क्या लिख सकते हो, इसी तरह 23 को क्या लिखते हो, 20+3। हमेशा हम देखते हैं तो 20+3 लिखा जाता है, 2+30 नहीं लिखा जाता। इसका ये मतलब है, इससे हम ये सीखते हैं कि फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करा जाता है और प्लस उसमें किया जाता है सेकेंड वाली डिजिट। देखो 97 में क्या किया गया, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 90 आया, और उसमें प्लस करा सेकेंड वाली डिजिट, है ना। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी टू डिजिट नंबर हो जैसे एक्स वाई, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें सेकेंड डिजिट जोड़ दो। यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें सेकेंड डिजिट जोड़ दो। नहीं समझ में आया, आ गया। अब 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 10 90, और 9 × y कितना हो गया 9y, तो ये 9 10 90x और 9 × y 9y इक्वल टू पहुंचे 2 10 20y और 2 × x क्या हो गया 2x। इतनी बात क्लियर भैया। अब ये 90x है, 90x, और ये 2x है, आप क्या करोगे 2x को इधर लेकर के आओगे, 2x का है क्या हो जाएगा माइनस का, और आप जब 9y को उधर लेके जाओगे तो 9y भी का है क्या हो जाएगा। अब 90 में 2 गए कितने बचे 88x, और 20 में 9 गए कितने बचे 11y। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई। यहां से अगर आप y निकालो तो y क्या होगा 88/11, और यहाँ पे क्या आ गया 11 8 जा, y की वैल्यू क्या आई है 8x आई है कि नहीं आई है, आ गई ना y की वैल्यू 8x। ठीक, अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में जाओगे, और फर्स्ट इक्वेशन में जाने के बाद y की जगह क्या पुट करोगे 8x, x प्लस 8x कितना होता है
9x इक्वल 9 है तो x बराबर क्या होगा? 1. नहीं समझ में आया? आ गया? So, आंसर नहीं आया अभी. So, टू डिजिट नंबर इज एक्स वाई माना था नंबर, x की जगह क्या रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे? हाँ, y की जगह y इक्वल 8x था ना, x की जगह 1 रखो तो 8 बन जा, तो y की वैल्यू 8 आई है. x की जगह अगर 1 रख रहे हो, y की जगह क्या रखेंगे? बात इतनी समझ में आई है कि नहीं? ये आपका आंसर है. क्लियर? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल है. ये मत नोट करने लगना, ये केवल समझाने के लिए नोट किया था. ठीक, ओके, नेक्स्ट सवाल.